थायरॉइड ग्लैंड की डेवलपमेंट। ये फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एम्ब्रियो में फॉर्म होता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 24 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है कि फ्लोर ऑफ प्राइमोर्डियल फेरिंग्स में मीडियन एंडोटर्मल थिकनिंग फॉर्म होती है। ठीक है, मीडियन एंडोटर्मल थिकनिंग फॉर्म होती है, वो जो है इट ग्रोज इन टू थायरॉयड प्राइमोर्डियम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं, ये है इसकी थायरॉयड ग्लैंड की। क्या होता है 24 डेज फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो प्राइमोर्डियल फेरिंग्स हैं, फ्लोर ऑफ प्राइमोर्डियल फेरिंग्स से मीडियन एंडोडर्मल थिकनिंग फॉर्म होती है, जो कि बाद में थायरॉयड प्राइमोर्डियम बना देती है। ठीक है, थायरॉयड प्राइमोर्डियम, ये आप देख सकते हैं थायरॉयड प्राइमोर्डियम। ठीक है, ये पहले तो होलो होता है, बाद में सॉलिड मास ऑफ सेल्स बन जाता है, ये थायरॉयड प्राइमोर्डियम। ठीक है, उसके बाद थायरोग्लॉसल डक्ट है, जो थायरोग्लॉसल डक्ट है, थायरो फॉर थायरॉयड एंड ग्लॉसल फॉर टंग। तो थायरॉयड ग्लैंड और टंग के दरमियान जो कनेक्शन है, इट इज़ थ्रू थायरोग्लॉसल डक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो ग्लैंड है, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये राइट और लेफ्ट इसकी साइड होती है ग्लैंड की, राइट एंड लेफ्ट, और इसके दरमियान का जो पोर्शन है इसे कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इसके अलावा सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग्स के एंटीरियरली पड़ा होता है। इसके बाद सेवन्थ वीक में क्या होता है कि फाइनल पोजीशन जो है ग्लैंड की वो अचीव हो जाती है, जो थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अच्छा, ये डक जो है वो डीजनरेट हो जाता है, लेकिन अगर ये इसकी स्मॉल ओपनिंग अगर फिर भी प्रसिस्ट करे तो उसे कहते हैं फोरामेन सीकम। किधर होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग पे ओपनिंग जो है ये थायरोग्लॉसल टंग, ये प्रसिस्ट कर सकती है और इसे कहते हैं फोरामेन सीकम। ठीक है, इसके बाद पायरामिडल लोब होता है जो कि इस समय से निकल रहा होता है, ये है पायरामिडल लोब। ठीक है, इस समय से निकल रहा है। अब क्या है, कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है नियोनेट्स में। अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है, न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी। इसके अलावा क्या क्या है, ग्रीनल इश्यूज हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब थायरोग्लॉसल डक्ट्स, थायरोग्लॉसल क्या है, थायरॉयड और टंग के दरमियान जो कनेक्शन डिवेलप हुआ था। ठीक है, अब से जो है इस डक्ट में फॉर्म हो सकता है, डक्ट डिसअपियर होता है बटर एम। ठीक है, ये मैंने बताया है कि डक्ट जो है बाद में फॉर्मेशन के बाद ग्लैंड की ये डिसअपियर हो जाता है, लेकिन अगर इसका रेमिनेंट प्रसिस्ट करे तो वो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेन सीकम। ठीक है, रेमिनेंट प्रसिस्ट कर सकता है और सिस्ट, इसमें सिस्ट बन सकते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट में। ठीक है, थायरोग्लॉसल डक्ट कहाँ कहाँ फाउंड हो सकती है, जो उसके रेमिनेंट है, टंग में, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक, इन्फीरियर टू हायर बोन। ठीक है, हायर बोन के नीचे और नेक के जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ, और ये 5 साल की उम्र में आपको, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, इससे पहले एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, अनलेस लियंस बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है, इससे पहले कि लियंस जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर दें, तो उसकी वजह से जो है सिम्टम्स अपीयर होना शुरू, पेन स्वीयर जो है इन्फेक्शन की वजह से वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग होती है नेक में। ठीक है, तो पेनलेस होती है, प्रोग्रेसिवली इनलार्जिंग, इनलार्ज करता जाता है, और मूवेबल मास होता है। ठीक है, ये फिगर में है थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। ठीक है, ये क्या है, स्वेलिंग है। ठीक है, पेनलेस होती है और वक्त के साथ साथ ये इनलार्ज होती जाती है और ये मूवेबल मास होता है। अच्छा, थायरॉयड टिश्यू में सिस्ट में जो है थायरॉयड टिश्यू मौजूद होता है। अगर सिस्ट का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है, स्किन में परफोरेशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से साइनस डेवलप होता है। ठीक है, और ये साइनस जो है ये मीडियन प्लेन ऑफ नेक में ओपन होता है, एंटीरियर टू लेरिंजियल कार्टिलेज।